हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एक्सेल में काम करने के टाइम में रो कैसे इंसर्ट करें। रो इंसर्ट करने का तरीका बहुत सारे हैं, लोग अपनी मर्जी जैसा सुविधा करते हैं उसी हिसाब से इंसर्ट करते हैं। सबकी अपनी अपनी तरीका होती है। जैसे कि इसके आगे में हमको इंसर्ट करना है तो ये सिलेक्ट किया जितना पेज चाहिए, या सिंगल मान के चलो हम सिंगल इंसर्ट किया, यह इंसर्ट करना है। मान लीजिए ढेर सारा करना है तो इसको सिलेक्ट करके आप इंसर्ट करते हैं, ये हो गई। उसी तरह इसको डिलीट करना भी सेम यही प्रोसीजर है सिलेक्ट करने का, चाहे आप इधर से करें ऊपर से या फिर साइड से, दोनों वही एक तरीका है। चलिए हम दूसरा तरीका भी देखते हैं कि किस तरह से इंसर्ट होती है। तो मान लिया जाए ये है आपका, हमने यहाँ सेलेक्ट किया, फिर कीबोर्ड में आप कंट्रोल और माइनस, सबसे पहले तो कंट्रोल आपको दबा के रखना है और राइट साइड आपका नंबर नंबर कीपैड है उसमें आपको माइनस का नज़र आएगा, कंट्रोल दबाइए और माइनस या प्लस, सबसे पहले तो प्लस को दबाइए, ये आपका रो इंसर्ट होगा। प्लस का मतलब हो गया रो इंसर्ट होना। अब इसको माइनस कीजिए तो ये डिलीट होते जाएगा। सेम उसी तरह नीचे भी हम सेलेक्ट करके देखते हैं, कंट्रोल दबाइए, प्लस का चिन्ह दबाइए, ये इंसर्ट होते जाएगा। उसी तरह माइनस का बटन दबाइए, ये कम होते जाएगा। तो ये है तरीका एक्सेल में काम करने के टाइम में लोग अपनी मर्जी जैसे भी चाहे उसी तरह से करते हैं। जैसे कि हमने इतना सारा सेलेक्ट किया और इंसर्ट किया तो इतना ही रो इंसर्ट हो जाएगा, फिर मैंने इसको डिलीट किया। अब आते हैं, मान के चलो कि इसके नीचे ये हम कलर करके रखते हैं, ये भी कलर करके रखते हैं, इस बीच में एक ही है। किसी चीज़ को हम कॉपी पेस्ट करना चाहें तो सेम हम उसी के नीचे कैसे कॉपी पेस्ट करें। मान लिया जाए ये हो गया कलर किया हुआ है, हमको इसी के नीचे कॉपी पेस्ट चाहिए, तो यहाँ आप सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट कॉपी सेल में डालिए। ये सेलेक्ट करने से सेम इसी कलर किया हुआ है नीचे आपका कॉपी पेस्ट होगा। ये भी तरीका आसान है। मान लीजिए आप कोई कोई ऐसे भी होते हैं, पहले इंसर्ट करेंगे फिर उसके ऊपर वो कॉपी पेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं, आप कहीं से भी कॉपी करके ले आइए और इसको इंसर्ट कीजिए। मान लिया जाए इसी में मैं आपको दूसरा चीज़ दिखाता हूँ कि उसमें कैसे, चलिए इसी को हम 1 से 8 लेते हैं, कॉपी किया और पहले वाला पेज में गया, हम इसके नीचे ही कॉपी पेस्ट करते हैं। देखिए इंसर्ट कॉपी सेल अब आ गई इसी के नीचे। तो दोस्तों इस तरह से एक्सेल में कॉपी पेस्ट करना, इंसर्ट करना, सेल इंसर्ट करना, घटाना बढ़ाना और कॉपी करना, ये आसान तरीका है। आशा है आप लोग ये ट्रिक अपनाइए और काम करने के टाइम में फटाफट अपना काम पूरा कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।